Yes. So let's start. Ma'am, you can remove the PPT. We will start. Yes. So hello everyone. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस सप्ताह के करियर मंथन में. इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहती हूँ जो हमारे साथ इस सेशन में जुड़े, और इसके साथ ही मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिसेफ युवा की टीम जो एनसीएस पोर्टल के थ्रू हमें 3600 से भी ऊपर 3600 से भी ऊपर हमें 3600 से भी ऊपर हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारे लिए सेशंस ला रही है, हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सेशंस ला रही है, तो उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी. और इसके साथ ही मैं आसमान फाउंडेशन की टीम को थैंक्स करना चाहूंगी जो हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टाइम पर डिस्कस करने वाले हैं, वक्त पर. कैसे हम टाइम को इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उसको जो चला गया टाइम, जो हमने टाइम बर्बाद कर दिया उसको तो हम नहीं वापस ला सकते, लेकिन जो हमारा टाइम आने वाला है उसे हम अपने वेलबींग, अपने लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, आज हम उस पे बात करेंगे. और उस पे हम बात करने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ी है आकांक्षा मैम. आकांक्षा मैम जो है वो अकेडमिशियन के साथ साथ हमारे सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, और उन्हें 8 साल से अधिक एक्सपीरियंस है सोशल सेक्टर में काम करने का, प्लस हमारे एकेडमिक सेक्टर में काम करने का. इसके साथ ही मैम मनराही फाउंडेशन की फाउंडर हैं, तो सोशल एंटरप्राइज है वो एक जो एडोलिसेंट के मानसिक स्वास्थ्य पर काम करता है. तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम को कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं. इसी बीच में अगर आपके कोई भी सवाल आते हैं, डाउट आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उसमें पूछ सकते हैं, और सेशन के अंत में हम उस चीज को, सारे आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. ओवर टू यू आकांक्षा मैम, आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच श्रुति, एंड सभी बच्चों को मेरा नमस्कार. जो भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार. आज श्रुति ने बिल्कुल ठीक कहा, हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे. और जो समय जा चुका है उसके लिए शायद अब हम बहुत कुछ ना कर सके, लेकिन जो समय हमारे हाथ में है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसकी चर्चा की जाएगी. इसके अलावा मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सेशन में आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पता चलेंगी. सो इफ यू वांट, आप अपने पास एक पेपर और पेन रख सकते हैं ताकि आप वो टेक्निक्स को लिख सकें. यू कैन इवन प्रैक्टिस देम लेटर एट होम, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. उसके अलावा अगर आप कोई शांत जगह जाके ये सेशन अटेंड करें, इट विल बी मोर हेल्पफुल. एंड आपके जो भी सवाल हो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, हम कॉन्स्टेंटली चैट बॉक्स देखते हैं, और आपके सवालों का अंत में हम डेफिनेटली वी विल आंसर द क्वेश्चंस एज वेल. तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं. श्रुति जस्ट लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल. यस मैम, इट्स विजिबल. ठीक है. सो हम जैसे बात कर रहे थे कि हम समय के बारे में बात करेंगे, और समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. जैसा हम समझते हैं क्या वैसा ही होता है? और आपने सुना होगा, बचपन से ही इनफैक्ट सुना होगा कि आपको ये बार बार कहा जाता है कि समय बहुत ही मूल्यवान है, इट्स वेरी वेरी प्रेशियस, एंड किसी भी हालत में हम अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते. या इट्स लाइक पीपल इवन कंपेयर इट विद मनी. हम भी करेंगे आज. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि समय का नेचर क्या होता है, क्या होता है समय. उससे पहले मेरा आप लोगों के लिए कुछ सवाल है. मैं आपको यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दूंगी जो बहुत ही कॉमन सिचुएशंस हैं. हम सभी के जीवन में कभी ना कभी वो सिचुएशन शायद आई हैं. उन सिचुएशंस में आपको मुझे ये बताना है कि उस समय में क्या समय तेजी से चल रहा था, जब वो सिचुएशन घट रही थी क्या समय तेजी से चल रहा था, या आपको लगा कि समय तो पार ही नहीं हो रहा, बहुत धीमे चल रहा है. सो आप लिख सकते हैं कि सिचुएशन वन में तेज था या धीमे था. आप ये प्लीज चैट में लिखिएगा. श्रुति आई रिक्वेस्ट आप मुझे बताते जाइएगा. श्योर श्योर. ठीक है. सो जब आप कोई बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे कहीं जॉब में, तो क्या समय बहुत तेजी से जा रहा था आपके लिए, या आपको लग रहा था कि ये समय तो निकल ही नहीं रहा? तो मैम हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं.
जी कुछ ने लिखा है कि समय तेज से चल रहा था। जी आई वुड लाइक ऑल आर पार्टिसिपेंट कि आप कमेंट करते रहिए ताकि हम इसको एक इंटरैक्टिव सेशन बना पाए, ना कि वन वे सेशन। यस मैम। श्रीकांत ने लिखा है टाइम गोज फास्ट टाइम गोज फास्ट. ओके, और स्पेशली जब आपको चैलेंजिंग. स्लो। भीम जी सिंह ने लिखा है नो मैम स्लो चल रहा था टाइम। ओके, मीडियम दिव्यांश ने लिखा है मीडियम चल रहा था टाइम। चल रहा था. ठीक है, चलिए अगली सिचुएशन. जब आप कोई माइंडफुल एक्टिविटी कर रहे थे, माइंडफुल एक्टिविटी का मतलब है जिस एक्टिविटी में आप मौजूद हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हैं, आपको पास्ट की और फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है. जैसे कि आप पार्क में एक मजेदार वॉक ले रहे हैं, या अपने फेवरेट गाने सुन रहे हैं, या कहीं बैठ के आराम कर रहे हैं, उस समय टाइम कैसे चलता है? तेजी से चलता है या धीमे चलता है? क्या गति रहती है टाइम की आपके लिए? तो अमन ने लिखा है वेरी फास्ट वेरी फास्ट. ओके, और शुभम ने लिखा है कि मॉडरेट स्पीड में चलता है। मॉडरेट स्पीकिंग चलती. ठीक है, यस तीसरा. ठीक है, एक और सिचुएशन है. आप लोग कंटिन्यूअली लिखते रहिएगा, इट्स ओके. आप लोग प्लीज अपने आंसर जरूर दीजिएगा चैट पे. जब आपकी लाइफ में कहीं कोई फेलियर हुआ है, या कोई सेटबैक आया है, कोई चुनौती आ गई है बहुत बड़ी, या आपको कहीं सफलता नहीं प्राप्त हुई, उस दौरान समय कैसे मूव करता है आपके लिए? तेज गति से चलता है या धीमी गति से चलता है? तो जनता ने लिखा है, जनता की आवाज गेमिंग ने लिखा है इट वेंट विद अस। उषा उषा रानी ने लिखा है वेरी फास्ट। ठीक एल्विस एल्विश यादव ने लिखा है नॉर्मल टाइम। रियाज ने लिखा है फास्ट। okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. जब आप ऐसी बातें कर रहे होते हैं किसी से जो आपको इंस्पायर करती है, सो इमेजिन करिए आपके कोई मेंटर हैं, कोई टीचर हैं, या कोई फैमिली में है जो आपके लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, जब आप उनसे बातचीत कर रहे होते हैं तो समय कैसे चलता है? तो शुभम ने लिखा है स्लो। दिव्यांश देवकाते ने लिखा है स्लो। सूरज पांडे ने लिखा है वेरी बोरिंग। ओके, यस चलिए और नेक्स्ट. जब आप कहीं पे कुछ वॉलंटियर कर रहे हैं किसी ऐसे कॉज के लिए, मैंने यहाँ जॉब नहीं लिखा, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, जब आप कोई ऐसे कॉज में काम कर रहे हैं, उस कॉज के लिए काम कर रहे हैं जो कॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप उसमें तहे दिल से यकीन रखते हैं कि ये होना चाहिए, जब आप उसके लिए कार्य करते हैं तो समय कैसे चलता है आपके लिए, तेज या धीमे? तो नित्यानंद ने लिखा है फास्ट। शीनिंग स्टार ने लिखा है स्लो चलता है और माधव गुज्जर ने लिखा है वेरी फास्ट। लास्ट, जब आप अपना ध्यान रख रहे होते हैं, सेल्फ केयर कर रहे होते हैं, अब अपना ध्यान, सेल्फ केयर का कोई भी मायने हो सकता है, डिपेंड करता है आपको क्या चीज अच्छी लगती है, आप किस चीज से रिलैक्स फील करते हैं, तो जब आप अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, तो समय कैसे चलता तो दीपक कुमार ने इस पे लिखा है स्लो। है? प्रेम सिंह राजपूत भी बोलते हैं कि स्लो चलता है उनका टाइम। मुकेश प्रजापति का टाइम स्लो चलता है। राजेश बसंत ने लिखा है फास्ट चलता है। ओके, और यस थैंक यू सो मच श्रुति, एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने अपने ओपिनियंस दिए इस एक्टिविटी को एंगेजिंग बनाने के लिए. सो दोस्तों, आपने ये देखा कि सबने अलग अलग उत्तर दिया. किसी ने कहा समय तेज चल रहा है, किसी ने कहा समय स्लो चल रहा है, लेकिन समय तो अपने हिसाब से ही चल रहा है. ऐसा तो नहीं है कि वो 1 घंटा 5 घंटे है, लेकिन हमने उस 1 घंटे को, हमें ऐसा लगा कि वो 1 घंटा नहीं 5 घंटे है. और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि 1 घंटा भी मिनटों में निकल जाता है, चुटकी बजाई और 1 घंटा खत्म. ये कब होता है और कैसे होता है, इसको हम ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन ऑफ टाइम कहते हैं. ठीक है, जब आप कोई बोरिंग कार्य कर रहे हैं, आपका उसमें मन नहीं लग रहा, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आधा घंटे का समय भी आपको 10 घंटे के बराबर लगेगा, यानी कि आपने टाइम को ओवर एस्टिमेट कर दिया. ठीक है, और अगर आप कोई बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हैं, आप 5 घंटे से वो शो देख रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा अरे ये तो भी आधा ही घंटा हुआ है, क्योंकि आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत रुचि आ रही है, तब हम टाइम को अंडर एस्टिमेट करते हैं.
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम तो अपने समय से ही चल रहा है, ना वो कम है ना वो ज्यादा है, लेकिन हमारी परसेप्शन, हम टाइम को किस प्रकार से समझ रहे हैं या हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। तो मैं सेशन में आगे बढ़ने से पहले ये बात आपको जरूर समझाना चाहती हूँ कि जो वक्त है ना, उसका अपना ही एक अलग ढंग है, अपना ही एक अलग नेचर है, और वो नेचर समझना जरूरी है। वो हमारे एक्सपीरियंस से बनता है। आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके लिए वक्त कैसे चलता है। अब जैसा कि हमने कहा कि वक्त सबके लिए अलग अलग चलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम या तो समय का एक वो जो एक कहते हैं ना कि हमने अपनी घड़ी का एहसास ही नहीं रहा, हमने समय का ध्यान नहीं दिया, समय तेजी से आगे बढ़ गया या कम तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है समय की, वो कब कब आती है, अभी हम उसकी बात करते हैं। एक होता है दोस्तों टाइम वॉर्प। इसका मतलब होता है कि आप यू लूज द ट्रैक ऑफ टाइम। जब समय चल रहा है, आप किसी एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो एक्टिविटी सिर्फ यूजलेस एक्टिविटी है या उससे ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा। हो सकता है कई लोग कभी कभी अपने कार्य में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने मशरूफ हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब समय निकल गया। सो उसे हम टाइम वॉर्प भी कहते हैं कि एक हमारे को नहीं पता लगा, वी जस्ट लूज द ट्रैक ऑफ टाइम, और समय आगे बढ़ता गया, हमने ही ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जब हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप एक के साथ दो, दो के साथ तीन, तीन के साथ कार्य करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे भी एक डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ टाइम बनता है। अब होता ये है कि अगर आप मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी चीज की प्रेपरेशन कर रहे हैं और साथ में आपके दोस्त को आप एक हाथ से मैसेज भी कर रहे हैं, फिर आप थोड़ी थोड़ी देर में जाके अपना सोशल मीडिया भी चेक कर रहे हैं, आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं और आप ये सब भी कर रहे हैं साथ में, तो आप डिफरेंट टास्क कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारी चीजें एक साथ करी हैं, पर वास्तविकता में आप किसी भी एक चीज में ठीक से आगे नहीं होंगे। खासकर जो आप काम कर रहे हैं अपना, वो आप आगे तक नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं आपसे इसके आगे कुछ और कहूं, कई बार लगता है कि मल्टीटास्किंग एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है, एक बहुत अच्छा स्किल है कि हम एक साथ चार पांच छह आठ चीजें कर पा रहे हैं, पर दोस्तों एक्चुअल में मल्टीटास्किंग, अब हम ऐसा मानने लग गए हैं कि मल्टीटास्किंग जो है वो एक मिथ होता है। एक्चुअल में इतना सारा काम कोई भी एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ टास्क स्विच करता है। आप एक काम करते हैं आपकी अटेंशन वहां है, दूसरी करते हैं आपकी अटेंशन स्विच हो रही है, लेकिन एक्चुअल में आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे, वो अटेंशन स्विच इतना तेजी से हो रहा है कि आप उसको रियलाइज नहीं कर रहे और आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। और इससे अक्सर हम देख रहे हैं कि उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती जब हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्क करते हैं। इसके अलावा ये एक और बहुत बड़ा डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होता है, एक मिथ होता है, जिसमें हम लोग अपना अक्सर वीकडेज में क्या सोचते हैं, अरे वीकेंड है हमारे पास। आई एम श्योर आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे कभी ना कभी, अगर वीकडे में कोई ऐसा काम आ गया है जो आप नहीं करना चाहते, तो हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, अभी तो वीकेंड आएगा, वीकेंड पे हम ये कार्य करेंगे। तो ये एक बहुत, अगेन एक बहुत ही बड़ा परसेप्शन है कि वीकेंड का जो समय है हम उसको ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत लंबा समय है, पर दरअसल वीकेंड का समय उतना लंबा होता नहीं है जितना हम सोचते हैं। इट्स ओनली 48 आवर्स, टू डेज, सैटरडे संडे, और कई बार तो सिंगल डे रह जाता है अगर आप 6 डेज कहीं काम करते हैं तो। सो वो जो एक हमारा परसेप्शन आता है कि सारे काम हम पाइल ऑन कहाँ करते हैं, वीकेंड पे करेंगे, वीकेंड पे करेंगे, एंड वीकेंड पे क्योंकि हम थके होते हैं या कभी फ्रेंड से मिलना है या कभी कोई और सोशल कमिटमेंट आ गई, वो काम भी रह जाता है और पाइल ऑन होता जाता है, और फिर वो टाइम मैनेजमेंट के इशू में हम देखते हैं कि आता रहता है। लास्टली, और ये बहुत जरूरी है, हमें लगता है आज के लिए तो ये बहुत जरूरी है, डिस्टॉर्शन ऑफ टाइम हो रहा है कि हम डिजिटल टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि हम सोशल मीडिया पे इतना समय व्यर्थ करते हैं, इतना समय व्यर्थ अपना बर्बाद कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता। और उससे आप कभी भी ये चीज नोटिस कीजिएगा, अगर आपने स्क्रोलिंग शुरू कर दी, आप सब जानते हैं ना स्क्रोलिंग, आप ऊपर ऊपर अपना देखते रहते हैं सोशल मीडिया ऐसे करके, आपको मैं यकीन से कह सकती हूँ आपको पता ही नहीं चलेगा कब आधा घंटा हो गया, कब 1 घंटा हो गया, कब 2 घंटा हो गया, और आप घड़ी देखेंगे अरे 1 घंटा हो भी गया, 2 घंटा हो भी गया। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमने लिखा है प्रॉब्लम ऑफ टाइम, पर दरअसल दोस्तों ये टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी खुद की परसेप्शन की प्रॉब्लम है। हमें अवेयर होना जरूरी है कि इस तरह से टाइम का एक्सपीरियंस हमें अलग वेज में होता है। वंस आप इस चीज को लेके अवेयर हो गए, जागरूक हो गए,
तो आप ज्यादा केयरफुल रहेंगे कि आपका समय कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। अब आते हैं वैल्यू ऑफ टाइम पे। अब मेरा आप सभी से एक सवाल है, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको आज 500 रुपए दूंगी, ठीक है, सच्ची में नहीं देने वाली तो कोई खुश ना हो बहुत। अच्छा अगर मान लेते हैं आज मैंने आपको कहा कि मैं आपको 500 रुपए दूंगी, ठीक है, आज आपके पास ऑफर है, आप या तो मुझसे आज 500 रुपए ले लो या आप मुझसे 2 साल के बाद 1000 रुपए ले लेना, तो आप क्या चूज करोगे, आज 500 रुपए ले लोगे या 2 साल के बाद 1000 रुपए लोगे? श्रुति बताइएगा क्या कह रहे हैं, ऑडियंस क्या कह रही है? So I would like कि आपने कमेंट्स डालना शुरू कर दे इस क्वेश्चन पे। आज अभी ऑफर है कि मैं आपको 500 रुपीज दे रही हूँ या फिर 2 साल के बाद 1000 रुपीज दूंगी। तो शाइनिंग स्टार सेइंग कि आप अभी दे दीजिए, ठीक है। समवन एल्स 2 साल, प्रेम सिंह बोल रहे हैं 2 साल के बाद आप दे दीजिए, ठीक है। आशुतोष जायसवाल बोल रहे हैं आप अभी हमें 500 रुपीज दे दिए, अमन कुमार बोल रहे हैं टुडे 500 रुपीज, यशस सिंह बोल रहे हैं 500 रुपीज, हमारे 500 रुपीज की तादाद ज्यादा है, वीरू नायक बोल रहे हैं 500 रुपीज, राहुल बोल रहे हैं हमें 500 रुपीज दे दीजिए, मोस्टली आर मोस्ट ऑफ आर ऑडियंस इज सेइंग 500 रुपीज। ओके वेरी गुड ऑडियंस, आपने स्मार्ट डिसीजन लिया, क्योंकि आज जो वैल्यू है पैसे की या किसी भी चीज की जो आज वैल्यू है, इट इज बेटर टू टेक अ स्मॉल थिंग वेयर देयर इज नो रिस्क, क्योंकि आज मैं आपके सामने हूँ, आप मुझसे मांग रही है, मैं दे भी रही हूँ, तो आज ये डील हो जाएगी, लेकिन 2 साल के बाद किसे पता क्या होगा। सो व्हाट दे से इज कि इट इज ऑलवेज बेटर कि आप कोई स्मॉल और सिक्योर्ड एडवांटेज ले लें रादर देन अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बिगर वन, क्योंकि बिगर वन में हम कभी श्योर नहीं हो सकते, 2 साल के बाद एक्चुअल में वैसा होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, ठीक बात है। इसी तरह से दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को आप समय पे यूज कीजिए। हम ऐसा सोचते हैं अच्छा ये चीज हम 6 महीने के बाद करेंगे, ये चीज हम इतने टाइम के बाद कर लेंगे, क्या हम 100% श्योर हो सकते हैं कि अगर और इतना भी आगे ना जाएं 2 दिन के बाद भी हम बहुत काम है जो आगे टाल देते हैं, ये काम हम इस दिन के बाद कर लेंगे, क्या पता उस दिन कुछ और इम्पोर्टेंट आ जाए हम ना कर पाए। तो वैल्यू जो टाइम की है उसको समझना भी जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज आप आज कर पा रहे हैं, आज उसकी एक वैल्यू है, तो उसे आज ही कर लीजिए। इट इज बेटर टू हैव दैट स्मॉल थिंग विद यू रादर देन थिंकिंग कि अरे बाद में जाके कुछ बहुत बड़ा मिलेगा। ये मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं बता रही थी, ये बस मैं टाइम से रिलेट करके आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि आज आपके टाइम की क्या वैल्यू है, हो सकता है कल आपके टाइम की उतनी वैल्यू ही ना हो या आपके पास उतना समय ही ना बचे। सो उस थॉट को माइंड में रखिए, इसलिए हमने वो बर्ड्स का एग्जांपल भी लिया है। आज आपके हाथ में अगर एक बर्ड है और कल 2 बर्ड्स आपको मिलेंगी, तो आप आज की एक बर्ड ले लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट ये तो श्योर हो गया कि आपके पास है। चलिए, सो हेंस वैल्यू ऑफ टाइम टूडे इज मोर देन इट विल बी टुमारो, इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिए। आज का समय व्यर्थ मत कीजिए ये सोच के कि कल का समय बेहतर होगा, क्योंकि जो आज है वो आपके कंट्रोल में है, कल जो होगा उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हमारी लाइफ में होते हैं दैट वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। अब आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर, पर हम क्यों इसकी बात करें? तो एक स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ एडवांस नर्सिंग में, जिन्होंने ऐसा कहा था कि जो लोग इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स करते हैं प्रैक्टिस, उनकी जो एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी है, यानी कि वो जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं एकेडेमिया से रिलेटेड कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ पढ़ाई में, एक तो वो रहता है अच्छा करते हैं पढ़ाई में, और दूसरा उनके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो भी काफी हद तक कम रहते हैं, एंड दीज पीपल आर ऑल्सो मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि उन्होंने समय को सही ढंग से मैनेज कर रखा है, वो कॉन्फिडेंट हैं कि अच्छा अगर कोई नया काम आ भी गया या कोई नई चुनौती आ गई तो मैं उससे डील कर सकूंगी। तो टाइम मैनेजमेंट अब क्या है? सबसे पहले आता है कि इसको आप समय को सही वे में और बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सके, आपके पास जितना समय है आप उसको एक बेस्ट पॉसिबल वे में आप उन चीजों को अपनी कर सकें।
उस समय में आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स पूरे कर सकें और आप हर एक्टिविटी को सही समय दे सकें। हम अक्सर देखते हैं काफी लोग या तो पढ़ाई में या अपने काम में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन परिवार को समय नहीं दे पा रहे। कुछ लोग परिवार को ज्यादा समय दे देते हैं और काम सफर करने लगता है। सो इसके बीच का जो एक बैलेंस होता है दोस्तों, वो कैसे बनेगा, वो आप कैसे बनाएंगे, और वो बैलेंस सबके लिए अलग अलग है। आपके काम पे बेस करता है, आपकी क्या फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस पे बेस करता है, बहुत चीजों पे वो फैक्टर्स बहुत से फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। पर फिर भी ये चीज कि एक आप अपनी गोल्स अचीव कर सके और हर एक्टिविटी को सही समय दे सके, जो उनका राइट अमाउंट ऑफ टाइम है वो मिल सके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और, आप अपने लिए भी, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ केयर के लिए भी थोड़ा समय अपने स्केड्यूल से निकाल सके। अब हमें टाइम मैनेजमेंट आखिर क्यों चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले ये आपका टाइम सेव करता है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हैं तो जो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया कि हमारा एक्सपीरियंस ऑफ टाइम बहुत मैटर करता है, मैं टाइम को कैसे परसीव कर रही हूँ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो टाइम मैनेजमेंट में अक्सर लोग बात करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपका समय कब बचेगा, जब आप अपने समय को समझ पा रहे हो। किसी भी चीज से डील करने के लिए उस चीज को समझना जरूरी है। पहले समय समझा हमने, अब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपका समय बचेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि क्या होता है लास्ट में जब सारा काम हमारे ऊपर आ जाता है तो हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि हमने पहले काफी समय बर्बाद कर दिया, अब थोड़े से समय में ज्यादा काम आ गया, तो वो स्ट्रेस बढ़ाता है। आपका वर्क आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करके दिखा सकेंगे, और आपको अच्छे से फंक्शन करने में भी मदद करेगा, क्योंकि उसमें जब आप टाइम को सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं तो आपके पास जरूर कुछ समय एक्स्ट्रा भी बचेगा, कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन बचेगा, राइट? सो आप बेटर वे में फंक्शन भी कर पाएंगे, आप अपना भी ध्यान रख पाएंगे, और आप अपने इंपॉर्टेंट कार्य जो हो सकता है पर्सनल लेवल पे हो उनको भी साथ में देख सकेंगे। अब आते हैं कुछ स्किल्स पे, जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं टाइम मैनेजमेंट के। तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, कि हम सही ढंग से कम्युनिकेट करें और कम्युनिकेशन सटीक हो, ज्यादा हम उसमें कहीं किसी का टाइम बर्बाद ना कर रहे हों जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो ईमेल पे, फोन पे या व्हाट्सएप पे, जहां पे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। गोल सेटिंग की मैं आगे भी आपसे एक बार और बात करूंगी, लेकिन आपको अगर अपने टाइम को बचाना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अपने दिमाग में अपने गोल्स सेट हों। मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और मेरा इमीडिएट गोल क्या है। सो इमीडिएट गोल होगा आज कल में आपने क्या करना, शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है लगभग आज से 3-4 महीने में आपने क्या अचीव करना है, लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है थोड़ा और लंबे समय का, 1 साल 2 साल कभी कभी 5 साल का भी। तो जब आपके माइंड में आपके गोल्स क्लियर हैं, और ये गोल्स दोस्तों एक से बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, ये गोल्स बदलते भी रहते हैं समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, पर समझने वाली बात ये है कि आपको आपके गोल्स की क्लैरिटी होनी जरूरी है, तब भी आपका समय बचता है। तो गोल सेट करना भी एक स्किल है जो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। बाउंड्रीज को सेट करना, सेटिंग बाउंड्रीज का मतलब कि यू नो कि अच्छा ये चीज, इतनी चीज मैं करूंगी, इससे ज्यादा शायद मैं ना कर पाऊं। तो अपनी बाउंड्रीज बना लेना, चाहे वो रिश्तों में बाउंड्रीज बनाना हो, चाहे वर्क रिलेटेड बाउंड्रीज हो, हम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, और हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट भी करें। ये नहीं कि हम दूसरों का काम भी अपने सर ले रहे हैं या अपना काम दूसरों को दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। डेलीगेशन का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ अपना कार्य कहीं अपनी टीम में भी डेलीगेट कर देना। अब ये जो है ना डेलीगेशन का पॉइंट, ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी किसी जॉब में है, क्योंकि उस समय हम ये देखते हैं कि अगर आप किसी पोजीशन पे हैं और आपके साथ आपकी टीम में और कोई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो आपका जो एक कुछ कार्य होता है आप सामने वाले को डेलीगेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमें ही सारे कार्य करने हैं, एज अ मैनेजर आपको सारे कार्य नहीं करने हैं। आपकी अगर टीम है तो जो कार्य सबसे जरूरी है, जिसमें आपके बिना और कोई नहीं कर सकता, वो आप खुद कीजिए। बाकी जो छोटे मोटे कार्य होते हैं वो हम किसी और से भी करवा सकते हैं अपना समय बचाने के लिए, ताकि आपके पास और इम्पोर्टेंट चीजों को सोचने का टाइम है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है कि आप प्रॉपर प्लान्स के साथ
आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि अच्छा अब मैंने ऐसे करना है, इसके बाद मेरा ये प्लान ऑफ एक्शन है, अगर ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो मैं इसमें ऐसे ऐसे या ऐसे एक्ट कर सकता हूँ. सो आपके पास एक पूरा बेसिकली प्लान है, एक ब्लूप्रिंट है कहीं ना कहीं, कि आप किसी भी सिचुएशन में, खासकर वर्क रिलेटेड सिचुएशंस में, आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं. एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, उसमें जैसे हम प्लान करते हैं कि अच्छा स्टार्टिंग के 1 महीना मैं रिसर्च करूंगी, उसके बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगी, उसके बाद मैं अपने मेथडोलॉजी फाइनलाइज करूंगी. तो आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए और समय अनुसार होनी चाहिए. इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, टू बी एबल टू मेक राइट डिसीजंस. एंड डिसीजंस कैसे हम लेते हैं, अगेन हमें प्रॉपरली सारे कॉन्सिक्वेंसेस को, सारे डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस के प्रोज एंड कॉन्स को आपस में कंपेयर करना है, मापना है. तो अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और आप उसमें 3 या 4 आपको अल्टरनेटिव्स दिख रहे हैं डिसीजन के, सो हर डिसीजन का फटाफट आप अपने पास पेपर में प्रोस, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इस तरह लिखिए. एंड देन मेक अ क्विक कंपैरिजन एंड देन टेक अ डिसीजन. सो डिसीजंस राइट लेना इज ऑल्सो अ टाइम मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि अगर हमने डिसीजन गलत लिया तो आपका काफी टाइम वो डिसीजन में वेस्ट हो सकता है. आप उस डिसीजन में आगे बढ़ गए, आप अपना कार्य करने लगे और फिर आगे जाके 1 महीने 2 महीने में रियलाइज हुआ कि ये तो डिसीजन ही गलत था. सो यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम देयर ऑल्सो. देन रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्सेज बहुत तरह की होती हैं हमारी. कोई रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जैसे हमने बहुत सारे अपने रीडिंग मटेरियल है जैसे हमारे पास, या हमारी बहुत सारी फाइल्स हैं हमारे पास. तो हर चीज को प्रॉपरली अगर आपने मैनेज करा है, ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, वहां भी आप देखेंगे छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन इससे आपका समय बहुत बचता है और मैनेज होता है अच्छे से. तो अगर मैंने हर चीज ऐसे कहीं फेंक रखी है अपने रूम में, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा टाइम पे, सो दिट्स नॉट अ गुड मैनेजमेंट. आई विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. अगर मेरी सारी बुक्स एक तरफ स्टैक्ड हैं, मेरे नोट्स पे प्रॉपरली मार्किंग्स हैं कि कौन से चैप्टर में मैंने क्या पढ़ना है, कैसे करना है, सो इट्स अ गुड वे ऑफ मैनेजिंग माय रिसोर्सेज. और यहाँ पे मैं अपना टाइम भी बहुत सेव करती हूँ. इसीलिए दोस्तों हम लोग कई बार, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी किया या नहीं, पर जब मैं पढ़ती थी तो हम ऐसा करते थे कि हम एक इंडेक्स बना लेते थे, जैसे 2-3 रजिस्टर्स होते थे मैथ्स में या और किसी सब्जेक्ट के, तो एक इंडेक्स रहता था पहले पन्ने पे कि ये चैप्टर इस रजिस्टर में है, फिर ये चैप्टर दूसरे में. जस्ट की टाइम बचे हम उस टाइम पे ना सोचें और बहुत सारी चीजों को हमें ढूंढना ना पड़े. एंड लास्टली अपने आप को डेडलाइंस देना बहुत जरूरी है. अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए. गिव इट टू योरसेल्फ कि ये मेरी डेडलाइन है, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसके आगे जा रही हूँ तो मैं कोई और काम सफर करेगा मेरा. सो अगर हम टाइम फ्रेम डेडलाइंस के अंदर काम करते हैं तो वो भी एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स माने जाते हैं. इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी कहा था, मल्टीटास्किंग से बचें. आपको ऐसा लग रहा है कि मल्टीटास्किंग करने से आपका समय बचता है, पर यकीन मानिए आपका समय इसमें बचता नहीं है. इनफैक्ट आप कुछ भी ठीक से अचीव नहीं कर पाते. और अंत में अपने स्ट्रेस को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है. स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हम बात आज ज्यादा नहीं कर रहे तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, पर हाँ आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं, योगा प्राणायाम कर सकते हैं, डिफरेंट वेज. आपको जिस भी चीज से ऐसा लगता है कि आप काम डाउन होते हैं, अपनी जो भी आपकी काम डाउन स्ट्रैटेजीज हैं उनका इस्तेमाल करिए और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखिए. बिकॉज अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बहुत एंग्शियस होते हैं, तो भी आप सिर्फ परेशान होने में समय व्यर्थ करते हैं, पर एक्चुअल में उसमें कोई कार्य सिद्ध नहीं होता. अब ये तो हमने एक बेसिक टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखे. आगे हम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स के ऊपर अब जाएंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें अगर टाइम को मैनेज करना है, अपने समय को मैनेज करना है, तो बहुत जरूरी है कि पहले हम खुद को मैनेज करना सीखें. प्रॉब्लम क्या आती है, पहले तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें समय का एक्सपीरियंस, समय का अनुभव किस तरह हो रहा है. दूसरा, हमें ये नहीं पता कि हम खुद को कैसे मैनेज करें. अब ये दोनों चीजें अगर आप सीख जाते हैं तो आप देखेंगे कि टाइम जो है वो आपका खुद ब खुद सही ढंग से मैनेज हो रहा है. तो अभी हम बात करने वाले हैं अपने आप को हम कैसे मैनेज करें ताकि हमारा समय सही ढंग से मैनेज रहे. सो सेल्फ मैनेजमेंट क्या है. सबसे जरूरी बात आती है सेल्फ मैनेजमेंट में कि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी इंपल्सेस होती हैं, हमारी अपनी अर्ज होती है किसी चीज को करने की. अंदर से एकदम से लगेगा अरे ये अभी करना है, तो वो जो इम्पल्स है उसको हम कैसे रोकें, क्या हम सही जा रहे हैं. क्योंकि ऐसे तो हमें बहुत बार दिन में इम्पल्सेस आती हैं. अब आप एग्जांपल लीजिए, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ
और मुझे तुरंत ऐसा ट्रिगर हो या ऐसी इम्पल्स फील हो कि मुझे अभी जाके कुछ बहुत ही अच्छा सा केक खाना है और मैं सेशन छोड़ के उठ जाऊं, तो क्या वो सही है? नहीं सही है। तो हमें बहुत जगह पे इस तरह से अपनी इम्पल्सिस को कंट्रोल करना पड़ता है। कई जगहों पे तो हम अच्छे से कर लेते हैं, जैसे मैं अभी अगर मुझे केक खाने का मन होगा तो मैं वो इम्पल्स कंट्रोल कर लूंगी कि मैं पहले सेशन कंप्लीट करूंगी, लेकिन कई बार हम उस इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक आपको मान लीजिए एक असाइनमेंट कोई कंप्लीट करके देना है, कोई एक प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके देना है और आप उसको लेके काफी परेशान हैं, काफी स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो आपने क्या किया? आप इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर में करता हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, लेट मी वॉच समथिंग ऑन टीवी। आपने टीवी ऑन किया, आपका कोई शो आया, आप देखने बैठ गए। अब आपको पता है कि वो कार्य में आपको बहुत स्ट्रेस है, तो आप उसको अवॉइड किए जा रहे हैं, आगे टाले जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। इसकी भी हम बात करेंगे आज। आप प्रोक्रेस्टिनेट किए जा रहे हैं लेकिन आप उस कार्य को नहीं कर रहे, तो इससे क्या हुआ? आपका बहुत समय व्यर्थ हो गया, आपने बिंज वॉचिंग करी, आप एकदम देखते रहे लगातार, लेकिन जो एक्चुअल काम करना था वो आपने नहीं किया। तो इसमें आपने ये सीखा कि आपको अपने ट्रिगर्स को पता लगाना आपको जरूरी है, अपने इम्पल्स कंट्रोल करने के लिए क्या चीज है जो आपको ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। वो कोई सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कोई बहुत ही डिफिकल्ट आपको कोई काम बोल दे तो वो एक सिचुएशन हो सकती है। कोई इमोशंस हो सकते हैं, जब आप बहुत सैड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, मे बी तब ऐसा होता हो, या कोई एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जाके, किसी जगह पे जाके आपके साथ ऐसा होता है कि उसके बाद आप अपने आप को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी इम्पल्सिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो ट्रिगर्स आप अपने आइडेंटिफाई करें सो दैट यू नो कि अच्छा ये चीज मुझे ट्रिगर करेगी, तो आप पहले से ही कॉन्शियसली प्रिपेयर्ड हैं और अपने आप को बोल रहे हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना। मुझे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मुझे पता है कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ और स्ट्रेस में मैं टीवी देखने लग जाती हूँ, मुझे पता है, तो मैं वो चीज नहीं करूँ। कैसे नहीं करूँ उसकी टेक्निक्स अभी आगे आएंगी, पर अभी के लिए समझ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें अपने आप को मास्टर करने में, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब आप एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपको अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है, तो आप लेकिन अपने आप से ये कहते हैं, अगर आप अपने आप को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं तो आप अपने आप को ये बोलेंगे कि लेकिन मेरे को एक असाइनमेंट देना है, मैं काम करती हूँ, पहले अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेती हूँ या पहले ये कार्य कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दोस्तों के साथ घूमने चली जाऊंगी। तो आपने यहाँ क्या किया? आपने यहाँ अपनी ग्रेटिफिकेशन को, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपकी एंजॉयमेंट है, उसको आपने थोड़ी देर के लिए डिले किया, आपने उसको खत्म नहीं किया, लेकिन आपने सिर्फ उसके पहले इंपॉर्टेंट कार्य रख दिया कि ये मेरी एंजॉयमेंट थी, लेकिन पहले मैं कार्य करूंगी, उसके बाद आई एम फ्री टू एंजॉय, सो लेट मी डू दैट फर्स्ट। सो आप अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले करना जब सीखते हैं, देन यू ऑल्सो लर्न टू रेगुलेट योर इम्पल्सिस। नेक्स्ट आता है यूटिलाइज द 10 मिनट रूल। अब 10 मिनट रूल एक बड़ा मजेदार रूल है और मैंने बहुत बार ट्राई किया है एंड ये वर्क करा जब मैंने ट्राई किया। जब भी आपको कोई बहुत स्ट्रांग इम्पल्स आए, जैसे अभी मुझे अगर बहुत स्ट्रांग आपको ऐसी इम्पल्स आए कि मैं एक काम करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम चला के देखती हूँ, आप पढ़ रहे हैं या आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कॉलेज का काम कर रहे हैं या कुछ जॉब रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, और आपको बीच में ऐसे लगा यार एक बार इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं क्या चल रहा है, ऐसा होता है ना सबके साथ, तो आप अपने आप को ये बोलेंगे कि ठीक है मुझे मन बहुत हो रहा है लेकिन मैं 10 मिनट रुकूंगी, सिर्फ 10 मिनट रुकिए। 10 मिनट रूल ये कहता है कि जब भी आपको कोई इम्पल्स फील हो, कुछ लगे कि मुझे अभी के अभी करना है, सिर्फ अपने आप को 10 मिनट तक रोकिए। 10 मिनट एक अच्छा समय होता है जिसमें आपकी इम्पल्स जो है वो वीक हो जाएगी अपने आप, और आप देखेंगे कि उस टाइम के बाद आपका जो इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट था कि मुझे अभी देखना है अभी देखना है, वो कम हो चुका होगा। यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू डू, इट्स ओके टू फेल इन दीज टेक्निक समटाइम्स, कभी कभी फेल हो जाते हैं, हो सकता है 10 मिनट के बाद आप फिर से इंस्टाग्राम ही खोल लेंगे, लेकिन कम से कम आपने अपने माइंड को, अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन तो किया कि आपको 10 मिनट रुक के वो काम करना, ये आपको अपने आप को बोलना है कि अगर मुझे अभी, जैसे आता ना अभी करूंगी, अभी नहीं करना, 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद भी अगर उतना स्ट्रांग फील हो तब आप करिए, वरना मोस्टली केसेस में उतना स्ट्रांग वो इम्पल्स रहता नहीं है। नेक्स्ट आता है क्रिएट अ पॉज रिचुअल। अब ये बहुत एक जरूरी है, इसमें मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल सोचा था। तो अक्सर कई बार क्या होता है, हम लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें कोई चीज एकदम दिखती है
और ये सब सोशल मीडिया वाले लोग भी बड़े स्मार्ट होते हैं, आप जानते हैं एडवर्टाइजमेंट्स कैसे वर्क करती हैं, तो उसमें एड में वो जैसे हम कुछ सोच रहे हैं या किसी चीज की बात कर रहे हैं और अक्सर ऐसा होता है वो फिर एड में आने लग जाता है। अब वो कैसे आता है पता नहीं, पर वो आता है, हमने आप सबने ये एक्सपीरियंस कभी ना कभी किया होगा। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं वो फिर आपको लगा रही है तो फिर एड में भी आ गया, जैसे मैंने वाटर बॉटल ढूंढनी है और फिर वो वाटर बॉटल की एड्स आ रही है, सो इट्स अ हाई चांस कि मैं उसे खोल लूंगी, उस पर और सर्च करूंगी, अच्छा देखूंगी कि हाँ कौन सी बॉटल अच्छी है, और जहां मुझे अच्छी लगी मैंने तुरंत बाय कर ली क्लिक करके, वो गलत है क्योंकि मैंने फिर अपने इम्पल्स को नहीं रोका, ये तो एक इम्पल्स था। हो सकता है मैं बाद में अगर मैं रुक जाती, मैं थोड़ा और सोचती तो शायद सोच के मुझे समझ आता कि ये बॉटल की मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक बॉटल और है और वो सही चल रही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। तो जो क्रिएट पॉज है, जो पॉज है उस वो ये कहता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं रुक जाइए, जैसे स्पेशली इस तरह का काम, ठीक है, जहां आपको पता है कि कोई चीज स्टेक पे है, जैसे यहाँ पे आपकी मनी स्टेक पे है, आप वो 400-500 रुपए की बॉटल का खर्चा करेंगे, क्या वो खर्चा वाकई मुझे जरूरी है? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए जब आप वो पॉज कर रहे हैं एंड देन टेक अ डिसीजन। इसी का मैं आपको एक और उदाहरण यहाँ देना चाहूंगी। मान लीजिए आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है या किसी को कोई ऐसा मेल करना है या कुछ भी ऐसा वर्क रिलेटेड करना है जिसमें आप 100% श्योर नहीं है, तो आप अक्सर होता ना हम एकदम बटन दबाई देते हैं, लिख के रखा हुआ है हमने सब कुछ और फिर हम सोचते हैं फिर हमने क्लिक कर दिया, जाओ गया, वो मत कीजिए। ये मैंने एक बार अपने साथ भी ट्राई किया था कि मुझे कुछ मेल अपने काम से रिलेटेड किसी को भेजना था और मैं जानती थी कि इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने उस मेल को लिखा, ड्राफ्ट में रखा और मैं सो गई रात में। अगले दिन मैं सुबह उठी, मैंने फिर से उसको देखा, मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया, पॉज मिल गया सोचने का उसके बारे में। मैं सुबह उठी, मैंने वापस वो मेल पढ़ा, कुछ उसमें शब्द मैंने बदले और मैंने तब वो मेल भेज दिया। अगर आपको बहुत कोई ऐसा डिसीजन है जो परेशान करता है तो थोड़े समय रुक जाना एक बहुत एक अच्छी आदत है, इट इज अ वे टू कंट्रोल योर इम्पल्स। तुरंत एक्ट आउट करना, तुरंत रिएक्ट करना इज नॉट अ गुड वे, और इससे भी ये जो चीज है ये आपको सीखनी बहुत जरूरी है सेल्फ मैनेजमेंट। और लास्टली कॉन्सिक्वेंसेस, जैसा मैं बोल रही थी अभी एग्जाम्पल में भी, आप कॉन्सिक्वेंसेस पे जरूर ध्यान दिया कीजिए जब आप कोई एक्शन कर रहे हैं, तभी आप इम्पल्स कंट्रोल करना सीखेंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए आपकी अगले दिन जॉब इंटरव्यू है और आपके फ्रेंड्स आपको कहीं बाहर ले गए हैं घुमाने के लिए या आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, अब वो आपसे बोल रहे हैं थोड़ी देर और रुक जाओ, और आपके फ्रेंड्स हैं, आपने कहा अच्छा ठीक है मैं रुक जाता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि अगले दिन सुबह आपको फ्रेश माइंड से उठ के इंटरव्यू देने जाना है, वहां पे आपको कॉन्सिक्वेंसेस को रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? या तो मेरी इंटरव्यू सुबह गलत हो सकती है, मेरी एनर्जी लेवल कम होगा, मुझे नींद आएगी इंटरव्यू के दौरान, अगर मैं रात में ठीक से नहीं सोई मेरा फेस उतना एक्टिव हो सकता है ना लगे, मेरी आई स्वोलन हो, कुछ भी कॉन्सिक्वेंस आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सोचिए कि अगर आप एक एक्शन लेंगे आपके वो डिसीजन का क्या कॉन्सिक्वेंस आगे होगा आपकी लाइफ के ऊपर और बाकी लाइफ के ऊपर भी। अगर आप वो सोच सकते हैं तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे अपनी इम्पल्सिस को रेगुलेट कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी, सेल्फ मैनेजमेंट ऐसी चीज नहीं है, कोई स्विच नहीं है कि मैंने प्रेस किया दब गया स्विच और अब आप लोग अपने आप को बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है जो आज हम इस बारे में टाइम मैनेजमेंट के बीच में इसकी बात कर रहे हैं। ये इम्पल्स कंट्रोल धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, जब आप एक बार इसमें सक्सेस हासिल करेंगे, आप एक जगह अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, आपको अपने आप पॉजिटिव फील होगा और आप देखेंगे कि आप अपने आप को फिर और जगह भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप खुद के बिहेवियर से इसमें रीइंफोर्स होंगे और हो सकता है कभी कभी इसमें फेल भी हो जाए, तो इसमें घबराना नहीं है, इसको जर्नी की तरह समझिए, इट्स नॉट एन एंड पॉइंट इन इटसेल्फ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम कह रहे हैं कि आप टाइम को मैनेज मत कीजिए, आप अपनी एक्टिविटीज को मैनेज कीजिए और उनको प्रायोरिटाइज कीजिए। अब आप वो कैसे सीखेंगे? सबसे पहले बात आती है टाइम बैंक की। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो टाइम है वो एक बैंक की तरह है, सभी चीजें हमें इसमें डालनी है, सब कुछ अचीव करना है इस छोटी सी लाइफ में, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने टाइम बैंक में थोड़ा समय अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूर निकालें, जिसमें आप कोई नया स्किल सीखते हैं,
आप कुछ अपने आप की नॉलेज अपग्रेड करते हैं, ये सब दोस्तों आपको जॉब पाने में भी बहुत मदद करेगा। तो आप कितने भी बिजी हो, कुछ नई चीज जरूर सीखते रहिए। काफी आजकल वेबसाइट्स पे, हमने शायद फर्स्ट सेशन में भी इस बारे में बात की थी, काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको आपकी रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कोर्सेरा है, यूडेमी है, ईडीएक्स है, बहुत से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। अपने फील्ड में आगे बढ़ते रहना, अपने फील्ड में कुछ नई नॉलेज, कुछ नए स्किल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या कहती है या लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है उसके साथ अपडेटेड रहना जरूरी है। ये आपके टाइम बैंक का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। जैसे हम सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज आप गूगल कीजिएगा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है। सरल शब्दों में इसका मतलब ये भी हुआ कि समय सबके लिए अलग अलग वे में चलता है, यानी कि सब्जेक्टिव होता है। जिस तरह आप समय को अनुभव करते हैं उस तरह शायद मैं नहीं करूं, और जिस तरह मैं करती हूं उस तरह शायद आप नहीं करें। और ये हमने अपनी एक्टिविटी में भी सीखा कि आप सबने अलग अलग उत्तर दिए थे कि समय तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है। तो जो भी आपका टाइम ऑफ रेफरेंस है या आपका सॉरी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पे आप हैं उसके हिसाब से आपका समय चल रहा है और वहां पे आप उसको अलग वे में प्रायोरिटाइज करेंगे। एंड लास्टली इट इज अबाउट द टाइम फेमिन, यानी कि ऐसा एक फीलिंग हमें कभी कभी आ जाता है कि हमारे पास समय बहुत कम है लेकिन अचीव करने को बहुत कुछ है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। अब हम इसमें प्रायोरिटाइज करें, देन ओनली ये तीनों चीजों का हम समाधान ढूंढ सकते हैं कि हमें कैसे उसको प्रायोरिटाइज करना सीखना है। सो अब आप कैसे सीखेंगे? आप उस वर्क, आप अपने उस काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए जो काम आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता है। अपने आप को डिफरेंट जगहों पर डाल के रखना, जैसे हम कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, यानी कि आप अपने आप को हर जगह पे आपने फंसाया हुआ है लेकिन कहीं पे भी कोई बहुत आप आगे नहीं जा रहे। एक या दो फोकस एरियाज होने चाहिए आपके एंड उसी में आपने आगे बढ़, ठीक है? तो बहुत जगह पे आप अपने आप को ना इन्वॉल्व करें। अपने टास्क और एक्टिविटीज की एक फुल लिस्ट होनी चाहिए आपके पास कि अच्छा ये टास्क और ये एक्टिविटीज मैंने आज करनी है। आप में से कितने लोग हैं जो टू डू लिस्ट बनाते हैं? यू कैन राइट ऑन द चैट। क्या आपके पास अपनी टू डू लिस्ट होती है? टू डू लिस्ट होती है कि जैसे अगर मैं आज शाम में अपनी एक लिस्ट या कल सुबह अपनी एक लिस्ट बनाऊंगी कि मुझे कल पूरे दिन में क्या कार्य करने हैं, दैट इज माय टू डू लिस्ट, ठीक है? उसमें कुछ मेरे ज्यादातर प्रोफेशनल काम होंगे, कुछ एक दो पर्सनल भी हो सकते हैं, कोई बैंक का काम हो सकता है या कोई और पर्सनल, किसी को कॉल करनी है रिलेटिव को, वो हो सकता है। बट एक टू डू लिस्ट बनती है हमारी। उस लिस्ट से मुझे पता रहता है कि मुझे अगले दिन में क्या क्या काम करना है और उन कामों को मैंने किस तरह से अपने स्केड्यूल में डालना है। तो ये जो लिस्ट है, अगर आप लोग अभी भी नहीं बनाते हैं तो ये आप एक बनानी शुरू कर सकते हैं। नथिंग मतलब आपने सिर्फ लिखने हैं क्या क्या आपके टास्क हैं, क्या एक्टिविटीज हैं, और जब वो होती जाए आप उस पर टिक मार्क करते जाइए। जो रह जाए वो आपके नेक्स्ट डे में आप कर लीजिए। तो इससे आपको पता रहेगा कि अच्छा ये काम है जो मुझे करने हैं। नहीं तो क्या होता है, हम अपनी याददाश्त पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं और कभी कभी वो हमें धोखा भी दे देती है। So, ma'am, our 50% of audience said no, 50 said yes, we have made it. So, जो लोग नहीं बनाते हैं, please इसको बनाइए, especially आप लोगों की age में, it is extremely important to manage time. Okay, अब आप मुझे पहले ये बताइएगा, किस किस को पता है difference urgent और important के बीच में? अंग्रेजी वाला मैं नहीं पूछ रही यहाँ पे, ऐसा English test, पर बस समझना चाह रही हूँ कि आप जानते हैं urgent और important में क्या अंतर होता है? शुक्र सिंह ने लिखा है यस मैम और शाइनिंग स्टार ने लिखा नो मैम। सो अब ये देखिए दो शब्द हैं, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। शायद सुनने में हमें काफी सिमिलर लग रही है ना कि अच्छा मैंने बोला कोई अर्जेंट काम आ गया मुझे या मैंने बोला कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया, तो आप समझ तो गए कि भाई इनको कोई इम्पोर्टेंट कार्य है, कुछ करने जा रही है ये जो ये नहीं टालेंगे। अर्जेंट वो होता है जिसको हमारी इमीडिएट अटेंशन चाहिए, अभी के अभी आपको वो काम करना पड़ेगा क्योंकि वो अर्जेंट है। इम्पोर्टेंट वो है, जरूरी नहीं है कि आपको अभी के अभी करना है, पर वो है बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि वो आपके गोल्स के साथ अलाइन होता है। तो इसको एक उदाहरण से समझे, मान लो कि आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हो और वो प्रोजेक्ट आपके करियर के लिए बहुत अच्छा, ठीक है? अब आप उसमें बहुत बिजी है, आप उसका डेटा अपना एनालाइज कर रहे हो, आप सब काम कर रहे हो उसमें, लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट वर्कशॉप आ गई कल,
आपको रात में कॉल आया कि कल एक बहुत अच्छी वर्कशॉप हो रही है, आप प्लीज ये अटेंड करो, तो अर्जेंट क्या है? अर्जेंट है वो वर्कशॉप अटेंड करनी। क्या आप वो वर्कशॉप अटेंड करें? दैट इज मोर अर्जेंट, क्योंकि वो कल के बाद दोबारा नहीं होंगे, वहां पे आपको इमिजिएटली होना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो रिसर्च आप कर रहे हैं वो एक लंबे समय में, अगले 6 महीने में आपके करियर को एक बूस्ट देगा, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो समटाइम्स हमें वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का डिफरेंस नहीं समझ आता। अर्जेंट वो है जिसमें आपकी तुरंत अटेंशन चाहिए, मुझे अभी आपका वहां होना जरूरी है। इम्पॉर्टेंट वो है जो आपको लंबे समय में सक्सेसफुल बनाएगा, क्योंकि वो आपके गोल से अलाइन होगा। इसका डिफरेंस हमें समझ पाना बहुत जरूरी है कि अर्जेंट क्या है मेरे लिए और इम्पॉर्टेंट क्या है, और आप उसको फिर अपने स्केड्यूल में कैसे डालना चाहते हैं। ज्यादातर जो अर्जेंट चीज है आप उसको पास ऑन नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी, आप उसको आगे नहीं लेके जा पाएंगे। लेकिन जो चीज इम्पॉर्टेंट है वो हाँ हो सकता है आप उसको थोड़ा सा आगे करें, लेकिन फिर भी वो आपको करनी तो है, तो आप ये नहीं कि उसको टाल ही रहे हैं, तो ये समझिएगा डिफरेंस। अच्छा, इसके बाद आता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक टाइम फ्रेम के अंदर काम करें, यानी कि एक डेडलाइन के अंदर काम करें। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे ये रिसर्च का ही एग्जांपल आप ले लीजिए कि ये अच्छा एक रिसर्च मैंने शुरू तो करी है, ये 2 साल चल जाए, 3 साल में भी खत्म कर सकता हूँ, पर क्या 2 साल 3 साल बाद उसको फायदा रहेगा? नहीं, क्योंकि हो सकता है तब तक और बहुत लोग उस चीज पे रिसर्च कर चुके हों। तो आप जो कर रहे हैं चाहे कोई भी कार्य हो उसको एक टाइम फ्रेम में ही कीजिए। उसके अलावा ना बोलना भी जरूरी है। हम लोग अक्सर ना बोलने से बहुत कतराते हैं, एंड आई नो कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, और हम कितनी बार एडोलेसेंस यंग लोग आके बोलते भी हैं कि मुझसे ना नहीं बोला जाता, कोई भी मुझे कुछ काम देता है तो मैं हाँ ही बोल देती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं ना कैसे बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कहीं दूसरे इंसान को डिसरिस्पेक्टेड फील ना हो, कहीं उसका मन ना हर्ट हो जाए, उसकी फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए। तो यहाँ मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कोई चीज आप कर रहे हैं जिसमें आपका समय व्यर्थ हो रहा है, प्लीज लर्न टू से नो पोलाइटली। आप वो इन्विटेशन को, उस कार्य को डिक्लाइन करना सीखिए। अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज जहां आपको लगे कि ये चीज हम नहीं करना चाहिए या ये चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लीज से नो टू दैट। अपने गोल्स को निरंतर समय से आप रिव्यू करते रहें, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले भी बता रही थी, गोल्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, समय के साथ आपके गोल्स बदलेंगे। तो देखिए कि 6 महीने आज हो गए, क्या जो गोल्स मैंने बनाए थे वो पूरे हुए? पहले तो इवेल्युएट करके देखिए कि क्या पुराने गोल्स जो बना रखे थे वो पूरे हुए। यदि वो गोल्स पूरे हो गए हैं या थोड़े से बच गए हैं उसमें से, तो क्या वही गोल्स अब आप आगे लेके जाओगे या आप इसमें थोड़ा सा कुछ इसको गोल को बदलना चाहोगे? ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल्स को, जो आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स के या नेक्स्ट 3 मंथ्स के गोल्स हैं, क्या वो आज के समय में, आज की सिचुएशन में अलाइन होते हैं या नहीं, इस चीज का आपको कॉन्स्टेंटली एक चेक रखना जरूरी है। लास्टली, जो आपके लार्ज टास्क हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा कार्य है आपके पास, उसको आप कॉन्स्टेंट वे में आप उसको छोटा कर सकते हैं। तो जैसे मैं बार बार रिसर्च का आज एग्जाम्पल ले रही हूँ, लेकिन उसी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब बात उसी की कर रहे हैं। जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, ये आपका एक बहुत बड़ा टास्क है। किसी भी इंडस्ट्री के बारे में जान पाना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। क्या आप इसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हो? कि जिस तरह पहले हो जाएगा कि आप कुछ टॉप 5-7 कंपनीज आपने रिसर्च कर ली, फिर हो जाएगा अच्छा उन कंपनीज की जॉब एप्लीकेशन क्या प्रोसेस है, उन कंपनीज में कौन से ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सीनियर लेवल पे काम करते हैं, जिनको शायद मैं जानती हूँ या मैं इनसे लिंक्डइन पे नेटवर्किंग कर सकती हूँ, इस तरह की। या फिर उसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस कितना अलाइन होता है, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो एक कार्य है। तो इस पूरे एक बड़े कार्य को, कि मुझे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की रिसर्च करनी है जो सुनने में इतना बड़ा लगेगा, हम नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। लेकिन अगर आप उस बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्यों में डिवाइड कर देते हो, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हो, तो आप ये देखेंगे कि आप उसको कितना इजीली टास्क बाय टास्क कर चलते हुए आप उन कार्यों को आसानी से कर सकते।
अच्छा, अब आते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर। बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति का दिन कैसा दिखना चाहिए। अगर मैं सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ, मैं टाइम को मैनेज करते हुए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि अपने टाइम को मैनेज करो, तो क्या चीजों को आप मैनेज करोगे, क्या क्या आपके दिन में होनी चाहिए, पहले वो समझ लेते हैं। क्या कॉम्पोनेंट्स हैं आपके दिन के? तो पहला कॉम्पोनेंट आता है प्रोफेशनल, यानी कि सबसे पहला होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करें, या फिर अगर आप एम्प्लॉई हैं या कहीं पे आपका बिजनेस है तो आप अपना काम करें। सो इट्स आइदर वर्क और स्टडी, ये आपके दिन का सबसे एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहता है, जहां पे आपका करीबन 7 से 8 घंटा जाता है। इसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट आना चाहिए सेल्फ केयर, जिसमें आप अपनी फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, और आप अपनी इवन स्पिरिचुअल हेल्थ का, मेडिटेट करिए थोड़ी देर, अपना सेल्फ केयर कीजिए, उसका समय आपके दिन में हर रोज होना चाहिए। इसके अलावा आपके दिन का कुछ समय आपकी कनेक्शन बिल्डिंग पे भी होना चाहिए, और कनेक्शन का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसमें प्रोफेशनल आप करिए साथ में, लेकिन मैं इसमें सोशल कनेक्शंस की भी बात कर रही हूँ। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, जो लोग हमें पसंद हैं, हमारे टीचर्स, मेंटर्स, उनसे हमें कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। एज अ ह्यूमन ये हमारी बेसिक नीड होती है कि हम सोशली सबसे कनेक्टेड रहें, तो आपके दिन का कुछ हिस्सा सोशल कनेक्शन में भी जाना चाहिए। इसके अलावा आपके दिन का कुछ पार्ट आपकी किसी हॉबी में भी जाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि 20s में आते आते हम लोग अपनी जो बचपन की, टीन एज की हॉबीज होती है ना, उनको पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें हमें पीछे नहीं छोड़ना, बिकॉज दे आर आर सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी। उससे हमें कुछ क्रिएटिविटी करने का मौका मिलता है, हमारा माइंड ओपन होता है। तो आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट हो, चाहे कुकिंग में है, चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, आप मंडाला आर्ट करते हैं, जो भी आपकी हॉबी हो, जिसमें भी आपको रुचि हो, चाहे आप दिन के 15 मिनट निकालिए, पर ये एक एलिमेंट आपके दिन में होना चाहिए। एंड लास्टली, थोड़ा समय आपकी पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ, यानी कि जो कोई ऐसा कार्य आप करें, कोई ऐसी चीज भी हो आपके दिन में जहां से आपको होप मिले, या तो अब वो आपको होप मिले, आप अपनी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे कुछ नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई नया स्किल सीख रहे हैं, कुछ भी नया लर्न कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे किसी और इंसान की मदद हो रही है। दोनों में से कोई भी आप एक चीज इस पार्ट में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये 5 में से कोशिश करिए कि 5ों चीजें ही आप करें, ये लेकिन एक एलिमेंट्स, आप इसको एक फ्रेमवर्क मान सकते हैं कि आपके दिन में ये एटलीस्ट 5 चीजें होनी चाहिए। अब इसको आप कैसे समय अनुसार डिवाइड करेंगे, समय को कैसे आप हर एक्टिविटी के लिए निकालेंगे, इस पे हम अभी आगे और बात करेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये 5 चीजें आप जरूर करें अपने दिन में। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चल रहे हैं, जो है प्रोक्रेस्टिनेशन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोक्रेस्टिनेशन एक तरह से एक हैबिट होती है, एक बुरी आदत होती है, जिसमें हम अपने काम को एक आगे के समय के लिए टाल देते हैं। हमें लगता है कि ये कार्य हम अभी ना करते हुए थोड़ा बाद में करेंगे। तो एक अहम सवाल आता है कि क्या मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, या मैं क्या मैं आलसी हूँ, क्योंकि इसमें एक बड़ी थिन लाइन होती है प्रोक्रेस्टिनेट करने में और आलस दिखाने में। तो क्या है वो थिन लाइन? प्रोक्रेस्टिनेशन में अक्सर ये होता है कि हम अपने टास्क या अपनी जो एक्टिविटीज होती है वो हम टाल देते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं टालते कि हम आलसी हैं, हम उनको इसलिए टाल देते हैं कि हमें उनसे डर लगता है, या हमें वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती हैं, या हमें डर लगता है हम फेल ना हो जाएं, या उन एक्टिविटीज को लेके हमें स्ट्रेस होता है कि अरे इतना सारा काम बचा, इतनी बड़ी रिपोर्ट बनानी है, मैं ऑलरेडी बहुत तनाव में हूँ। लेकिन हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि हमें काम नहीं करना, हमें काम करना है, हमारी इंटेंशन भी है करने की, लेकिन बस हम समय पे शुरू नहीं करते, हम उसको आगे आगे करके टालते चले जाते हैं। अब दोस्तों, लेजीनेस क्या होती है? लेजीनेस में होता है कि आप में काम करने की इच्छा ही नहीं है, आप में काम करने का जो मोटिवेशन होना चाहिए वो ही नहीं है, क्योंकि ना तो आप एफर्ट डालना चाहते हैं और ना ही आप उस काम में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या होता है कि अगर आप अपने काम को आगे टालते हैं, तो आप उस काम को लेके काफी ज्यादा गिल्टी भी महसूस करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता वो प्रोक्रेस्टिनेट करना। सो यू आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड कि मैंने क्यों नहीं किया। सो जैसे अगर आपको कोई रिपोर्ट मंडे को सबमिट करनी है, तो और आपको आज पता चला, थर्सडे को पता लगा, तो आपने फ्राइडे को भी नहीं किया, थर्सडे को भी नहीं किया, सैटरडे को भी नहीं किया, संडे तक आते आते आप बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करेंगे कि ओ गॉड, अब एक ही दिन बचा है, मैंने पहले काम क्यों नहीं किया। एंड लास्टली,
जो लोग ज्यादातर हम देखते हैं आलसी होते हैं, वो इसलिए भी कई बार नहीं करते वो काम क्योंकि उनको उस काम में कोई मजा नहीं आता और उनको लगता है अरे कौन मेहनत करेगा। वो थॉट रहता है। लेकिन जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनका ये थॉट नहीं होता कि हमें मेहनत नहीं करनी, उनका बस ये थॉट होता है कि अभी नहीं करना, अभी हमें या तो डर लग रहा है या हम फेल ना हो जाएं या हम स्ट्रेस में हैं या हम लास्ट में ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। उनका कोई भी रीजन हो सकता है। तो अब आपको खुद डिसाइड करना है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये दोनों चीजें कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्या आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या क्या आप एक्चुअली लेजी हैं। अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव प्रोक्रेस्टिनेशन की और समझते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन हमें समझ आ गया और हमें ये भी पता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो दो तरह का होता है। अब एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या होता है कि हम जबरदस्ती या जानबूझ के कार्य को आगे डालते हैं। अब हम कार्य को क्यों आगे डालते हैं, क्या माइंडसेट क्या होता है, हम कार्य को लास्ट के लिए छोड़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कार्य एकदम अर्जेंट हो जाए क्योंकि लास्ट लास्ट में है तो उसको आपकी इमीडिएट अटेंशन चाहिए तो वो अर्जेंट हो जाए। और काफी ऐसे लोग होते हैं जो जब कार्य लास्ट में अर्जेंट होता है तो वो ज्यादा बेटर वे में काम कर पाते हैं, या वो उनको लगता है कि जब ड्यू डेट आ रही है, जब डेडलाइन आने वाली है तो 2 दिन पहले जब हम काम करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो बेटर होता है, तो वो उस तरह से करते हैं जो कि उतना अच्छा नहीं है करना, पर ये एक टाइप है बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन का। जो पैसिव प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं वो क्या करते हैं, वो उस तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करते हैं जो बिल्कुल ही यूजलेस एक्टिविटीज हैं, जिसमें उनको ज्यादा मजा नहीं आएगा, या अगर उनको मजा आ भी रहा है उन एक्टिविटीज में तो मतलब दे आर नॉट बेनिफिशियल, जैसे बहुत सारा टीवी देखते रहना या बहुत देर तक मोबाइल पे लगे रहना। पैसिव प्रोक्रेस्टिनेटर्स जो होते हैं वो ज्यादातर गिल्ट में आते हैं, उनको बहुत स्ट्रेस होता है क्योंकि उनको पता होता है कि डेडलाइन आ रही है और उन्होंने अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं किया, एंड अब वो क्योंकि उन्होंने टाइम वेस्ट किया, कोई ऐसी चीज करी जिसमें उनका मन नहीं था या वो ऐसी चीज करी जिसमें उनको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, टीवी देख लिया, यू नो इंटरनेट स्क्रॉल करते रहे, सॉरी सोशल मीडिया साइट स्क्रॉल करते रहे, सो दे नो कि इट वाज एन अनरिलेटेड टास्क। ऑन दी अदर हैंड जो एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेटर होगा वो हो सकता है कोई और कार्य कर रहा है, जैसे मैंने काफी बच्चों का देखा है जो एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, टेस्ट उनका किसी और सब्जेक्ट का है लेकिन वो 2 दिन तक कोई और ही पढ़ रहे हैं, लास्ट डे फिर वो सब्जेक्ट जिसका टेस्ट है वो पढ़ रहे हैं, या वो कोई और बुक रीडिंग कर रहे हैं या वो कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में एंगेज हैं पर काम जो करना है वो नहीं कर रहे क्योंकि वो लास्ट में ही करेंगे। दैट इज एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन विच इज स्टिल बेटर, वन नॉच बेटर देन द पैसिव प्रोक्रेस्टिनेशन। पैसिव प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इस साइकिल को समझते हैं कि ये कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन वर्क करता है। तो पहला पार्ट है, मान लीजिए आपको कोई टास्क मिला, उसमें कुछ ऐसे रूल्स या अजम्पशंस आपने अपने दिमाग में सेट कर लिए कि अरे इसमें हमें ये भी करना पड़ेगा, इसमें ऐसे होगा वैसे होगा, एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट देम या आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको समझ आया कि थर्ड पॉइंट तक आते आते कि अरे मुझे मजा नहीं आएगा इसमें, या ये तो मेरे को डर लग रहा है, या मैं स्ट्रेस में आ रही हूं, या मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, तो आपने डिस्कम्फर्ट परसीव किया। अगली स्टेज में आप बहाने बनाने लगेंगे कि अच्छा चलो अभी तो 1 हफ्ते का समय है, मैं बाद में कुछ कर लूंगी या बाद में कुछ कर लूंगा। तो अब उसमें क्या हुआ, आपने टीवी देखा या आपने कुछ भी और किया, तो आप उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन एक्टिविटीज करने लग गए। अब अगर आप एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेटर है तो आप कुछ यूजफुल एक्टिविटीज करेंगे, अगर आप पैसिव प्रोक्रेस्टिनेटर है तो आप बिल्कुल ही अनहेल्पफुल एक्टिविटीज करेंगे जैसा अभी बात हो रहा था। उसके बाद जब आप वो एक्टिविटी करेंगे तो आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा कि अरे मैं टीवी देख रही हूँ, आपको हो सकता है उस मोमेंट में थोड़ा ठीक लगे, आप इंटरनेट स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको हो सकता है उस मोमेंट में भी थोड़ा ठीक ठाक लगे, लेकिन उसको याद रखिएगा कि लास्ट स्टेज जो है, फाइनल स्टेज में आते आते आपको उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे जाके आपको वो टास्क, आपको पता है आपके पास समय कम है, आप उसको कई बार उतना अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी एंड यू हैव दैट रिग्रेट कि काश मैंने इसको सही समय पे शुरू कर लिया होता। अब बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की स्ट्रैटेजीज की कि हम इसको रोकें कैसे, इसको कैसे स्टॉप लगाएं इसके ऊपर। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है मंकी ऑन द शोल्डर। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, आप बोलेंगे मैम मंकी की भी बात कर रही हैं आज सेशन में, पिछली बार मैंने चींटियों की भी बात की थी। तो मंकीज अब क्या करते हैं, तो मंकी आप मान लीजिए कि अगर एक मंकी आपकी प्रॉब्लम है या कोई टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है, तो आपके शोल्डर पे ऑलरेडी 3-4 मंकीज बैठे हैं एक टाइम पे क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई टास्क है,
आप ऐसी स्थिति में अगर आप अपने मंकीज का ध्यान दें तो वो ज्यादा बेटर है। अब इसमें दो तीन चीजें होती है, जब कहीं बहुत सारे बंदर आ जाते हैं तो या तो हम बंदर को खाना खिलाते हैं या उनको भगा देते हैं, दो ही ऑप्शन है। यानी कि या तो आप उस बंदर वाले कार्य को, बंदर मतलब कार्य आपका, या तो आप वो कार्य को करेंगे या आपको उस कार्य को टोटली रिमूव करना पड़ेगा कि ये मैं नहीं करना चाहती। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि भाई मंकी की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहे। सिमिलरली आपके टास्क का नंबर ऑफ टास्क भी कंट्रोल में रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके टास्क का नंबर बहुत बढ़ गया है और आप में उतनी क्षमता ही नहीं है या आपके पास उतना समय ही नहीं है। और एक तो ये बात, और उसके अलावा कि आपके जो टास्क हैं वो सही समय पे सही टास्क करो। जिस तरह हम किसी भी बंदर को या किसी भी जानवर को, खुद को भी, पूरे समय तो हम खाना नहीं खाते ना, कभी कभी 3 बार दिन में खा रहे हैं या मैक्सिमम 4 बार खा रहे हैं, तो वो कार्य भी समय से हो और अपने समय के अनुसार ही चले, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने मंकीज को यानी कि अपने टास्क को पहले आप ध्यान देंगे, उनपे पहले आप अपना फोकस लाएंगे, रादर देन कि दूसरे के मंकीज भी हम अपने अपने ऊपर लेते रहे। सो फोकस ऑन योर टास्क फर्स्ट। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड टॉस, ना देयर इज अ टॉस प्रिंसिपल। अब टॉस का मतलब ये होता है कि कभी कभी जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हम इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बिकॉज हम बहुत ओवरवेल्म्ड हैं, हमारे ऊपर बहुत सी चीजें एक साथ आ गई हैं विच वी डोंट वॉन्ट। तो टॉस स्टैंड फॉर टी मतलब ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है या अर्जेंट नहीं है उसको हटा दो उस टाइम के लिए, वो चीज अभी आप मत करो। जैसे किसी दोस्त को मिलना है या कोई मूवी देखना है, अभी आपका कुछ इंपॉर्टेंट, आपको प्रोफेशनली कुछ इंपॉर्टेंट करना है, उस टाइम पे वो चीज शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन ट्रिम दैट आउट। सेकेंड ओम स्टैंड फॉर आउटसोर्स। आउटसोर्स का मतलब वही डेलीगेशन होता है। अगर आप ऑलरेडी जॉब्स में हैं, आप किसी लेवल पे हैं, आपके पास टीम है, तो आप कुछ काम अपना आउटसोर्स कर सकते हैं, यानी कि किसी और को भी दे सकते हैं। फर्स्ट एस स्टैंड फॉर सेव। सेव का मतलब होता है कि आप अपनी सारी रिसोर्सेस को, अपनी फाइल्स को प्रॉपरली सेव रखिए ताकि व्हेन यू नीड देम यू आर एबल टू गेट देम। एंड लास्ट एस का मतलब होता है स्टार्ट। स्टार्ट उस चीज को, स्टार्ट एंड देन फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। तो आप एक बार पहले तो स्टार्ट करें प्रोक्रेस्टिनेट, चाहे आपको फीलिंग आ रही है कि आप अभी ना करें, लेकिन उसको फिर भी एक बार शुरू कीजिए, एंड वंस यू हैव स्टार्टेड देन यू हैव टू कोशिश कीजिए कि आप उसे कंप्लीट भी करें। तीसरा आता है एलिमिनेटिंग टाइम थीव्स। अब टाइम थीव्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जो हमें समय को चुराते हैं या ऐसी चीजें जो समय चुराती हैं। तो टाइम थीव्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल टाइम थीव्स और एक होते हैं दोस्तों एक्सटर्नल टाइम थीव्स। जो इंटरनल टाइम थीव्स होते हैं वो हमारे अंदर की इम्पल्सेस, अर्जेस, हमारे अपने थॉट्स होते हैं कि मैंने अभी, मुझे पता है कि मुझे कल सुबह जॉब इंटरव्यू पे जाना है, लेकिन मैं आज फिर भी अपना तैयारी नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि शायद मुझे अपने फ्रेंड को मिलने जाना है। सो ये मेरा अपना टाइम थीव है, ये मेरी इंटरनल इम्पल्स है, मुझे इसको रोकना पड़ेगा, तो ये इंटरनल टाइम थीव है। एक होगा जो एक्सटर्नल है, यानी कि मुझे बाहर से कोई काम आ गया और मैं उस काम को मना नहीं कर पा रही, तो वहां मेरा समय चला गया और जो एक्चुअल काम करना था वो मैं नहीं कर पाई। तो हमारा ज्यादा कंट्रोल किस पे होता है, इंटरनल टाइम थीव पे या एक्सटर्नल टाइम थीव पे? लिख के बताइएगा चैट में, आपका ज्यादा कंट्रोल किस में है, इंटरनल टाइम थीव को आप कंट्रोल कर सकते हैं या एक्सटर्नल टाइम थीव को? श्रुति बताइएगा। यस सो आप चैट पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं सो दैट हम भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैम ऑडियंस अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं चैट पे, तो कंट्रोल ज्यादा आप इंटरनल टाइम थीव्स को कर सकते हैं, क्योंकि इम्पल्सिस को कंट्रोल करना आपने सीखा है। आपके अंदर के जो विचार हैं, आपके अंदर की जो अर्जेस हैं, उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाहर की सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो बाहर की सिचुएशन की वजह से आपका समय जाया हो जाता है या आप कोई कार्य में नहीं समय दे पाते, वो एक्सटर्नल है। कई बार उन चीजों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, इसीलिए जो चीज आपके कंट्रोल में है पहले आप एटलीस्ट उसको एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। और आपने आज सीखा भी है अपनी इम्पल्सिस कैसे कंट्रोल करनी है उसके जरिए।
नाउ आर टीम स्टार्टेड टू कमेंट. दीपक ने एक्सटर्नल लिखा है, शुभम ने इंटरनल लिखा है, रियाज ने इंटरनल लिखा है. हाँ थोड़ा लैग होता है ये लाइव स्ट्रीम. ओके यस. कोई बात नहीं, ठीक है. अच्छा नेक्स्ट आता है, अपनी डेडलाइंस आप एस्टैब्लिश कीजिए. अगर आपकी प्रॉपरली डेडलाइंस एस्टैब्लिश होती हैं तो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन कम हम करते हैं. इसके अलावा आता है 5 मिनट रूल. अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है. पहले मैंने आपको एक और 10 मिनट रूल बताया था, अब मैं आपको 5 मिनट रूल बता रही हूँ, ये उससे अलग है. 5 मिनट रूल ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी काम है जो करने में आपको मन नहीं है या आप सोच रहे हैं कि मैं इसको बाद में करूंगा, जैसे कोई डेडलाइन बेस्ड काम है और आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं उस काम पे, अपने आप को ये बोलिए कि कोई प्रेशर नहीं है, मुझे काम पूरा कंप्लीट नहीं करना है, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इस काम को शुरू कर देता हूँ, एक मैं इसको स्टार्ट दे देती हूँ, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी 5-7 मिनट्स के बाद. कोई बिना प्रेशर के आप उस काम को स्टार्ट कीजिए, यू विल सी कि वो 5 के 50 मिनट हो जाएंगे एंड यू विल स्टिल बी डूइंग इट, और आपका काफी काम आगे भी बढ़ चुका होगा. सो 5 मिनट रूल होता है बेसिकली, जो आपका स्ट्रेस है या आपका जो एक मेंटल ब्लॉक है जिसके चलते आप वो काम को टच ही नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो दूर करता है. मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 5 मिनट रूल ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी काम है जिसको आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो आपका करने का मन नहीं होता, बिना प्रेशर के अपने आप को सिर्फ इतना कहना है चलो 5 मिनट के लिए शुरू कर देता है, उसके बाद देख लेंगे. जस्ट स्टार्ट इट फॉर 5 मिनट्स, यू विल नो व्हाई आई सेड दिस रूल. लास्टली अपनी चीजों को हमेशा लिख के रखें. जैसे आप राइटिंग में डालते हैं, जैसे टू डू लिस्ट की मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो टू डू लिस्ट अगर आप बना रहे हैं तो वो राइटिंग में आ रहा है. दिस विल हेल्प यू टू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, बिकॉज देन यू नो कि आपको आज के दिन में इतना कंप्लीट करना है, क्योंकि जो बचेगा फिर वो नहीं तो नेक्स्ट डे में पाइल ऑन होगा. एंड लास्टली एज आई एम कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग इट इन डिफरेंट वेज, एक समय पे एक चीज पे कोशिश करें कि अपना फोकस रखें. बहुत जगह पे आपने अपने आप के फोकस को शिफ्ट नहीं करना, मल्टीटास्किंग नहीं करनी. अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मार्ट वर्क की. तो एक हम आजकल बात करते हैं कि ज्यादा काम करना, इट्स नॉट डजंट मीन कि अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं. कई बार हम बहुत ज्यादा काम कर देते हैं लेकिन हमारा किसी भी काम में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है. तो कुछ रूल्स हैं, आप में से किसी को कोई रूल अच्छा लगेगा, किसी को कोई और रूल शायद अच्छा लगेगा, पर आप देख लीजिए कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा वर्क करता है. मेरा कहना यह है कि स्मार्ट वर्क इज नॉट जस्ट हार्ड वर्क. आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ड वर्क कीजिए लेकिन उसको स्मार्टली कैसे करना है. तो पहली बात आती है आइजनहोवर मैट्रिक्स की. ये एक डिसीजन बेस्ड मैट्रिक्स होता है. आपको मैंने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के बीच का डिस्टिंक्शन समझाया था, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज अर्जेंट. तो ये आता है कि अगर आपके पास कोई कार्य आता है, कोई काम आ जाता है और आप सोच रहे हैं ये मैं अब करूं, कल करूं, परसों करूं, 2 महीने के बाद करूं, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपको डिसीजन लेने में मदद करती है. अगर वो कार्य इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है तो उसको अभी कीजिए. अगर वो कार्य इम्पोर्टेंट है पर उतना अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है यानी कि लॉन्ग टर्म में आपकी गोल से अलाइन करता है लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आज के आज ही करके देना, देन आप डिसाइड कर लीजिए एक टाइम जिसपे आप उसको कर सकते हैं. यदि वो कार्य अर्जेंट तो है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं तो आप इसको किसी और को भी दे सकते हैं. आप ये देखिए कि क्या कोई और इस कार्य को कर पाएगा. ठीक है, अगर आपको लगता है हाँ, जैसे मान लीजिए कोई एक बिल आपको जमा कराना है, ठीक है, अब वो बहुत अर्जेंट है क्योंकि बिल आज के आज जमा होना है लेकिन आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या कोई और व्यक्ति है आपके आसपास जो शायद उधर ही जा रहा हो, आप उनको दे दें कि प्लीज आप कर दीजिए मेरा भी. सो वहां देखिए क्या आप डेलीगेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो शायद आपको खुद करना पड़ेगा, बट पहले ऑप्शन देखिए कि क्या आप किसी और को रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस काम को करने की. एंड लास्टली अगर कोई ऐसा काम है जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है तो आप उस काम को टोटली मत कीजिए, आप उसको हटा सकते हैं. सो ये तो आपका एक डिसीजन मैट्रिक्स है, आइजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स, एंड ये आपको मदद करेगा अपने कामों को डिसाइड करने में कि कैसे और कब करना है. दूसरा मैं बात करना चाहती हूँ स्मार्ट गोल्स की, जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप अपने गोल्स बना रहे हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स, सो प्लीज देखिए कि आपके जो गोल्स हों वो स्मार्ट हों. स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक हो, क्लियरली लिखा हो कि ये मेरा गोल है, मुझे इस फील्ड में नौकरी चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए. ठीक है, या इस कंपनी, ये 3-4 कंपनीज की लिस्ट है, इसमें से किसी एक में मुझे जॉब चाहिए. एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल.
आपको जब वो चीज मिली या नहीं मिली, क्या आप मेजर कर पा रहे हैं कि आपकी सक्सेस, मतलब या तो जॉब मिला या नहीं मिला, तो वो आप एक इवैल्यूएट कर पा रहे हैं या नहीं। ए स्टैंड्स फॉर अटेनेबल गोल्स, वो हों जिन्हें आप अचीव कर सकें। अब जैसे मैं अगर बोलूं मेरा गोल ये है कि मुझे मार्स पे घर बनाना है, सो इट मे नॉट बी अ वेरी अटेनेबल गोल ना। सो वैसे गोल्स नहीं रखने, गोल्स वो हों जो अचीवेबल हों। आर यानी कि रेलिवेंट, गोल्स वो हों जो आपके करियर में आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंगली रेलिवेंट हों, आपके फील्ड के हों। अगर मान लीजिए आप कॉमर्स पढ़े हैं और आप बोले मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेडिकल डॉक्टर बनना है, इट्स नॉट अ रेलिवेंट गोल, क्योंकि अब वो आप नहीं बन सकते, आप तो कॉमर्स स्ट्रीम में निकल आए, आपने लिया आपके पास नहीं था वो स्ट्रीम, पीसी भी था ही नहीं, तो वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो गोल आप जो बनाए वो रेलिवेंट हो, और टी का मतलब होता है टाइम बेस्ड हो, यानी कि उस गोल की एक डेडलाइन हो, यदि डेडलाइन पार हो गई है तो हम उस गोल में आगे नहीं बढ़ते फिर। तीसरा आता है प्रायोरिटाइजिंग, यानी कि आप अपने सब कार्यों को प्रायोरिटाइज कीजिए, चाहे आप वो आइजन हो वो मेट्रिक्स के थ्रू प्रायोरिटाइज कीजिए या और वेज में कीजिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है या अर्जेंट और इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन के हिसाब से आप प्रायोरिटाइज कीजिए, पर उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, तभी आप स्मार्टली काम करेंगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग टेक्निक आती है जिसको हम पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। पोमोडोरो दोस्तों इटालियन शब्द है, ये शब्द एक इसका मतलब होता है टोमेटो यानी कि टमाटर, और एक रिसर्चर थे जिन्होंने इसे सरली करके, जिन्होंने इस टेक्निक का जो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर भी थे और उन्होंने ये टेक्निक बताई थी, बनाई थी, कहीं ना कहीं इस ये टेक्निक पेटेंटेड है उनके नाम पे। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको किसी चीज में किसी चीज पे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो पहले तो एक टास्क ले लीजिए जिसपे आपने फोकस करना है। आप एक टाइमर लगाइए जो कि 25 मिनट का टाइमर होगा, आप 25 मिनट तक उस कार्य को कीजिए, फिर आप 5 मिनट की एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और इस तरह से 25 मिनट्स 5 मिनट्स, फिर 25 मिनट्स करेंगे, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर 25 मिनट्स करेंगे, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, और लास्ट एक और फोर्थ राउंड भी करेंगे 25 मिनट्स एंड 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। जब आपके 4 राउंड्स हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपके 2 घंटे पार हो गए, 2 घंटे में से आपने 20 मिनट 5-5 मिनट करके 4 बार ब्रेक लिया, और 25-25-25 करके 100 मिनट आपने काम किया। ठीक है, तो आपका फोकस था 100 मिनट्स, ब्रेक था 20 मिनट्स। जब 120 मिनट्स आपके पूरे हो जाते हैं तो आप एक 30 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो आप, और इस पूरे को एक पोमोडोरो साइकिल कहते हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप एक और पोमोडोरो साइकिल 2 आवर्स का कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी नाइस टेक्निक जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ब्रेक्स मिलते हैं, जो टाइमर होता है वो आपको मोटिवेट करता है कि आप दोबारा से शुरू करें उस कार्य को। सो इट्स अ ओवरऑल अ वेरी नाइस टेक्निक टू फॉलो। देन आता है पेरेटो प्रिंसिपल। अब पेरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि आप देखेंगे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल, ये एक इकोनॉमिस्ट ने बनाया है। ये कहता है कि अगर आप एफर्ट डालते हैं किसी चीज में, ठीक है, तो आप मान लीजिए आपने जितना टाइम स्पेंड किया उस चीज में एफर्ट डालने के लिए, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि 80% जो आपने टाइम स्पेंड किया होता है ना किसी भी चीज में, जब आप एफर्ट डालते हैं तो उसका आउटकम जो है आपका रिजल्ट में, वो आउटकम सिर्फ 20% ही होता है। लेकिन जब आप 20 और जहां आपने 20% टाइम अपना स्पेंड किया है टोटल एफर्ट में, अक्सर वहां पे हमें ज्यादा रिजल्ट मिलता है 80%। तो आपको पेरेटो प्रिंसिपल से ये सीखना चाहिए कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका ज्यादा आउटकम, आप ऐसा क्या करते हैं अपने समय में, अपने दिन में, जिससे आपको ज्यादा आउटकम मिलता है, रिजल्ट जिसका आपका ज्यादा है। तब आप धीरे धीरे ये जो टाइम स्पेंड 20% आपको 80% आउटकम दे रहा है, ये आप 20-30 कर सकते हैं और बाकी को कम कर सकते हैं। यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो समय है, जैसे भी आप उसको यूज कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस चीज से आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, और जिस चीज से आपको या जिस टेक्निक से ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है उसको आप अपने दिन के समय में बढ़ा सकते हैं। और लास्टली एक टेक्निक आती है जिसको हम टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। अब टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि कुछ समय आपके कैलेंडर पे ब्लॉक्ड होना चाहिए जहां पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज भी करें। तो जैसे आप देखेंगे इस फोटो में काफी लोगों का कैलेंडर ऐसे दिखता है, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप एक पूरा टाइम ब्लॉक कीजिए। जैसे अगर आपके लिए कोई आपको प्रपोजल बना के भेजना है तो आप मॉर्निंग का 8-11 का समय उस प्रपोजल के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, फिर आप 1 घंटा बीच में ईमेल्स एंड मैसेजेस के लिए ब्लॉक कीजिए। सो वो ये बोल रहे हैं कि सब चीजें मिक्सअप करने से बेटर है कि आप टाइम ब्लॉक्स में काम करें,
ताकि आपको पता हो कि आप एक टाइम पे एक ही चीज में फोकस कर रहे हैं। सो टाइम ब्लॉकिंग से आपका फोकस जो है उसमें आप मल्टीटास्क नहीं करते, आपका फोकस होता है कि एक ही चीज करनी है और इसके लिए इतना समय मेरे पास है दिन में और ये निर्धारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ाएं, तो इसके कुछ रूल्स हैं। फिर से एक रूल होता है TAR रूल। टी का मतलब होता है थ्रो, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज मतलब जो कार्य, जो काम आपको लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम थ्रो कर देते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, जो काम आपको लगता है अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है उस पर आप एक्शन लेते हैं। और आर का मतलब होता है रेफरेंस, यानी कि कुछ ऐसे काम या तो आपको खुद से नहीं आते या आपको लगता है कि ये मैं नहीं करना चाहता, उसको आप आगे रेफर आउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक आता है 90/90/1 रूल। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल आता है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगर आपको किसी एक सिंगल कार्य पे फोकस करना है तो इसमें समझते हैं 90/90 क्या है। 90 जो फर्स्ट 90 है उसका मतलब होता है 90 मिनट्स, अगला 90 है 90 डेज और 1 है 1 टास्क। आप समझिए, कोई भी एक चीज जिसपे आप फोकस करना चाहते हैं, ये रूल कहता है एक चीज पे फोकस करेंगे अगले 90 दिनों तक, पहले 90 मिनट आपके दिन के पहले 90, यानी कि अगर आप सुबह 8 बजे पढ़ाई करने या काम करने बैठते हैं तो 8 से लेके 9:30 तक का समय, तो वो ये कहते हैं कि अगले 3 महीने यानी कि 90 दिन तक आपके कार्य के पहले 90 मिनट यानी कि पहला 1.5 घंटा एक टास्क पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे उस टास्क में आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बूस्ट अप होगी। सो दिस इज अ 90/90/1 रूल। एंड लास्टली टेक केयर ऑफ वॉट बॉदर्स यू द मोस्ट। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको आपको डर लगता है उससे, आपको लगता है मैं इसमें फेल ना हो जाऊं, तो उसको सबसे पहले कर लीजिए। ईट दैट फ्रॉग, उसको हम ये भी कहते हैं, खत्म कीजिए वो कार्य करके। वही बात है इसमें, जैसे अगर आप कभी घर आते हैं और आपकी एक फेवरेट चीज बनी है खाने की और एक थोड़ी कम फेवरेट है या आपको पसंद नहीं है वो है, और मम्मी ने आपको बना के दोनों दिए, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज हमें नहीं पसंद उसको हम पहले खा के खत्म कर लेते हैं। कोई जैसे करेला अगर किसी को नहीं पसंद तो वो पहले खाएगा, और साथ में अगर खीर बनी है तो फिर हम उसको आराम आराम से खाते हैं। सो वही होता है, इसमें भी वही बात है कि जो कार्य आपको नहीं पसंद उसको आप पहले करके खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफाई कीजिए कि आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव किस समय में होते हैं। कुछ लोग सुबह के टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग रात के टाइम। अपना समय आइडेंटिफाई कीजिए और उस समय ज्यादा से ज्यादा आप अपने काम पे फोकस करें। इसके अलावा प्रैक्टिस द 2 मिनट। तो आज मैंने आपको कितने सारे मिनट्स के रूल बताए हैं, 10 मिनट 5 मिनट, अब मैं 2 मिनट, ये लास्ट है, ये है प्रैक्टिस द 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी काम है जो आप 2 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं उसको आगे मत डालिए। जैसे कुछ कपड़े यहाँ से वहां रखने हैं, अब मैं बोलूंगी अच्छा मैं ये कल कर दूंगी, अभी मैं थोड़ी देर में करती हूँ, या अच्छा चलो कल ही कर देंगे, कोई फायदा नहीं है, वो वहीं पड़ा रह जाएगा। एनीथिंग दैट यू कैन डू विद इन 2 मिनट्स उसको करके आप खत्म कीजिए, आप देखेंगे कितने छोटे छोटे कार्य दिन में ऐसे ही निपट जाएंगे। एंड लास्टली बाउंड्री सेटिंग, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपकी पर्सनल प्रोफेशनल बाउंड्री सेट हो और दोनों जगह आप बराबर टाइम दे पा रहे हैं। मैंने कुछ बुक रिकमेंडेशंस दी हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप लोग प्लीज इस बुक्स को जरूर देखिएगा, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज लिखी हुई हैं एंड आई एम श्योर आपको इससे अपने टाइम मैनेजमेंट में, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में और क्रिएटिव बनने में बहुत मदद होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट इन टुडेज सेशन, इट्स ओपन फॉर क्वेश्चंस। थैंक यू श्रुति, ओवर टू यू। तो थैंक यू मैम, काफी अच्छे तरीके से आपने इस सेशन को एंड किया बुक्स के साथ और काफी नॉलेज बिल्डिंग सेशन था। हमारे कमेंट्स में हमारे जो हमारे साथी थे, हमारे यूथ थे, उनको काफी हेल्प मिला। वो बार बार यही लिख रहे थे कि उन्हें ये मिनट टेक्निक्स काफी अच्छे लगे, 10 मिनट टेक्निक्स, 5 मिनट टेक्निक्स। तो ज्यादा कोई सवाल नहीं आए, बट कुछ हमारे जो फ्रेंड्स ने सवाल पूछे हैं, दे आर लाइक, अनु ने पूछा है मैम जॉब के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं लेकिन उसमें काफी टाइम चला जाता है और जॉब नहीं मिलती लेकिन हम स्क्रॉल करते रहते हैं, तो मैम कोई प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहे या So, हमने ये शायद लास्ट टाइम भी बात की थी और अभी हम नेक्स्ट सेशन में सोशल मीडिया को आप कैसे यूज कर सकते हैं जॉब्स फाइंड करने में, वो मेरा आप लोगों के साथ लास्ट सेशन होगा जो नेक्स्ट होगा नेक्स्ट संडे 27 को, तो आप वो भी अटेंड कीजिएगा।
प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे Naukri.com है, Indeed.com है, DevNet है, अगर आप कंसल्टिंग में जॉब्स देख रहे हैं, Sams.com है, वो भी कंसल्टिंग के लिए, सोशल इम्पैक्ट कंसल्टिंग के लिए रहता है। तो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स देखिए, और लिंक्डइन तो सबसे ज्यादा पावरफुल है ही आज के डेट में, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अब जॉब्स आप देखने के लिए जाते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है आप कहीं और निकल जाते हैं। इसका एक टिप है जो मैं जरूर देना चाहूंगी आप सबको, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे फोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, ये सबकी एप्स थी, और मेरे फोन में लिखा हुआ आता था मुझे कि मैंने कितने मिनट सोशल मीडिया पे गुजारे हैं। आपके आजकल फोन्स में, स्मार्टफोन्स में आपको वो दिख जाएगा अपना समय। एंड आई रियलाइज्ड कि मेरा काफी टाइम जा रहा है सोशल मीडिया एप्स पे। मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन और ट्विटर को छोड़ के सारे एप्स डिलीट कर दिए हैं फोन में से। अगर मुझे फेसबुक एक्सेस करना है तो मैं डेस्कटॉप से करती हूँ। इंस्टाग्राम एक्सेस करना है, वो भी मैं ज्यादातर डेस्कटॉप से करती हूँ, या अगर कभी कुछ हमें अपडेट करना है तो वो फोन में आता है, फिर मैं उसको वापस डिलीट कर देती हूँ। डेस्कटॉप से आप एक्सेस रखिए, लेकिन फोन से हटा दीजिए। फोन में हम माइंडलेस स्क्रोलिंग करने लगते हैं, आप देखेंगे आपका कितना समय बच रहा है। लिंक्डइन इज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म, अगर आप उसको स्क्रोल कर रही है, मैं इतना मना नहीं करूंगी उस पर, क्योंकि लिंक्डइन में आपको काफी और जानकारी भी मिलती है अपने फील्ड से रिलेटेड, और प्रोफेशनली मिलती है आपको। यस श्रुति, तो राहुल ने पूछा है कि माइंड में सोचता तो हूँ ये काम करना है, लेकिन उसके लिए मोटिवेशन नहीं आता, मोटिवेटेड नहीं रह पाता हूँ। तो राहुल मैंने ये सेशन के बीच में भी कहा था कि ये जो इम्पल्स है ना हमारी, या ये जो हमारी अपनी फीलिंग्स हैं कि हम मोटिवेटेड नहीं है, ये एक बार तो आपको खुद को स्ट्रांग बन के ब्रेक करना पड़ेगा। वंस यू ब्रेक इट, वंस यू डू समथिंग, वो जब आप कर लेंगे ना, तो वही आपका बिहेवियर आपके लिए पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट का काम करेगा, और आप उसको कर पाएंगे। एक तो ये बात जो आपको खुद को करनी है। सेकेंड चीज ये है कि आप अपने टास्क को, अगर आपको कोई बड़ा कार्य है, जैसा मैंने कहा, अक्सर जब हमें लगता है कोई बड़ा कार्य करना है, हम बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं और हम उसको आगे टालते रहते हैं। उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए छोटे छोटे कार्यों में। अगर आपको कोई चीज करनी है, आप उसका बस फर्स्ट स्टेप उठा लो कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बस उतना कर लीजिए, जो 5 मिनट रूल भी कहता है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। उतना सोचना ही नहीं है हमको, पहले तो शुरू करें 5 मिनट, देन सी व्हाट हैपेंस। राहुल, इट इज अ मेंटल ब्लॉक, आई एम टेलिंग यू। आप एक बार इसको करेंगे, 2 बार ब्रेक करेंगे, यू विल सी दैट यू विल गेट कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड, एंड आपका अपने आप आपको मोटिवेशन मिलेगा उस चीज से। आई होप दैट हेल्प्स, थैंक यू। तो उपाध्याय ने पूछा है कि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। तो हम पहले आपको ये बोलना चाहेंगे, आप अच्छे इंसान हैं, हम आपको ऐसे प्लेटफॉर्म बता सकते हैं जिससे स्किल बिल्डिंग हो सके आपकी, आपके टाइम को, आपके लाइफस्टाइल को हेल्पफुल हो सके। तो उसके लिए अगर कोई सजेशन हो तो आप वो बता सकते। आप अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको और बेहतर इंसान होना, मेरा ये मानना है कि आप शायद ये सोच रहे हैं कि आपको और बेहतर होना है। श्रुति ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमारी ही परसेप्शन है कि हम अच्छे हैं या कम अच्छे हैं, लेकिन मेरा भी यही मानना है जो श्रुति ने बिल्कुल सही वे में आपको बताया शुरू में। प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे तो प्लेटफॉर्म्स हम आपको शायद फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पे आपकी सेल्फ ग्रोथ हो जाए। जैसे मैं जो संस्था चलाती हूँ मनराही, उसकी भी हमने एक ऐप बनाई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, आप लोग सब इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है ईहू, EHU, और ये ऐप सिर्फ अभी एंड्रॉइड वाले फोन्स के लिए अवेलेबल है, तो अभी ये प्ले स्टोर पे है ये ऐप। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप, आप इसको प्लीज यूज कीजिए। और इसमें एवरी डे कुछ टास्क आते हैं बड़े मजेदार से, आपको वो करना होता है, और फिर आप उसमें लेवल्स क्रॉस करते जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ क्विजेस भी रहती हैं, जिसमें आप जिससे आप काफी कुछ नया सीख सकते हैं अपने बारे में। इसमें थोड़ी सी मैं आपसे जानकारी यहाँ और लेना चाहूंगी, अब हम वो शायद इस माध्यम से ले ना सकें, कि आप किस प्रकार के चीज की बात कर रहे हैं। तो क्या वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था, क्या वो आप चीजों को और बेहतर रूप से समझना अगर चाहते हैं, तो आप बुक्स पढ़िए, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज आप देख सकते हैं, टेड टॉक्स आप सुन सकते हैं जो आपको आगे जाके मोटिवेट करें। वो ऐसा नहीं है कि आज हम कम बेहतर हैं या कल हम ज्यादा होंगे, इट्स जस्ट हमारा खुद का एक लेवल जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। जब हम समय के साथ आगे बढ़े,
तो हमारी लर्निंग्स में ग्रोथ होनी चाहिए. एज अ पर्सन हमारी नॉलेज बिल्ड होती है हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे एक्सपोजर से. सो अपने आप को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दीजिए, डिफरेंट एक्सपोजर दीजिए, अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, एंड आई एम श्योर आप आगे बढ़ेंगे. तो आप इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. हम हर संडे करियर मंथन के रूप में इस टाइप के सेशंस लाते हैं. हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स अलग अलग टॉपिक्स लेके आते हैं जो कि आपको इन्वॉल्व करते हैं, आपकी स्किल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, जॉब फाइंडिंग्स में हेल्प करते हैं. तो उसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं जिसमें मैम आपको डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट पोर्टल्स के बारे में भी बताती है. और जैसे आज मैम ने आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के लिए बुक्स रेफर किए, तो आप इस तरीके की चीजों से अपने सेल्फ डेवलपमेंट में आपको ये हेल्प करेगा. सो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, और हमारी तरफ से आप सभी यूथ्स के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स, और हम नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं इस सेशन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. नमस्कार. थैंक यू.